का निर्वहन करने के लिए जिस संवर्ग की बड़ी भूमिका है, उससे जुड़े हुए 1148 ऐसे भर्तियों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा नौ चयनित हैं, उन सबको आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं नौ चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश शासन की ओर से, उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें अच्छी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। लिपिकीय संवर्ग में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और हमें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा देश के बारे में रही है, उसमें उस देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है। और उस भूमिका को जब उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछले 9 वर्ष में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर भारत के बारे में लोगों की जो धारणा बदली है, भारत के प्रति सम्मान का जो भाव बढ़ रहा है, भारत को आज दुनिया के अंदर जिस दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, ऐसे ही 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन चुकी थी। लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक प्रश्न प्रदेश के रूप में देखते थे, देश के लिए कठिनाई देने वाले प्रदेश के रूप में, समस्या देने वाले प्रदेश के रूप में मानने लग गए थे। और यह मान्यता हो गई थी कि इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में देश की पांचवा हिस्सा देश का जिस राज्य में निवास करता है, अगर यह राज्य अपने आप को सही मार्ग पर नहीं ले गया तो देश को आगे बढ़ाने की जो चुनौतियां हम सबके सामने है वह बनी रहेंगी। किसी भी कार्यक्रम के बारे में ये बात होती थी कि यह कार्यक्रम यूपी के अंदर सफल हो पाया तभी सफल हो पाएगा, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में 8 करोड़ शौचालय बनने थे, जिनमें से 3 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में बनने थे। और सबको संशय था क्या होगा, कैसे सफल होगा। 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था, अक्टूबर 14 से अक्टूबर 19 के बीच में ये सब बनने थे। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश मात्र 43 लाख शौचालय बना पाया था। आप अनुमान करिए कि अगले 2.5 वर्ष के अंदर हम लोगों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। और मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अतिरिक्त सहायता लिए बगैर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा संसाधन थे, आर्थिक रूप से भारत सरकार ने सहयोग किया, जो पहले भी सहायता मिलती आ रही थी, लेकिन यहां की टीम ने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो जो लक्ष्य हमें 2019 में प्राप्त होना था, 2.5 वर्ष की बजाय हमने उस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष में पूरा करते हुए 2 करोड़
75 लाख से अधिक के शौचालय प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। ये उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास जब राष्ट्रीय स्तर